नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद अ विद्री एम एट रेस्ट इट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ वी जे कैप नोटिस करना यहाँ पे वेलोसिटी जे डायरेक्शन में है आफ्टर कोलिजन देन वी उसका जो मैग्नीट्यूड है इज गिवन बाय और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना सवाल सिंपल है स्नैरियो uh, ये है कि यह आपका आ, एक छोटी सी बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है आई डायरेक्शन इस में इसमें जाके ये गेंद आपके यहाँ से टक्कर हुई ये थ्री एम का ब्लॉक है जो कि शुरू में रेस्ट पे था उसके बाद ये आफ्टर कोलिजन सिनेरियो ये है कि ये पार्टिकल आपका लेट्स ये जो है इस डायरेक्शन में मूव किया है एम मास वी जे कैप और जो थ्री एम वाली गेंद है वो आ, इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं पर मूव की होगी ये आपकी Uh, v2 आएगी i कैप j कैप की टर्म में हमें बताना है v का मैग्नीट्यूड क्या होगा ना सबसे पहली बात अगर तो हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करें हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इसका लिखेंगे तो ये आएगा एम यू आई कैप प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इसका जो आएगा वो उसको हम लिख सकते हैं एम वी जे कैप प्लस थ्री एम इसको एक काम करते हैं वी वन और वी टू लिख लेते हैं तो ये वी वन और वी टू हमें वी वन की वैल्यू बतानी है वी टू आई कैप और जे कैप के टर्म में ये आएगा ठीक है सो ये आपकी वी टू आएगी वैक्टर फॉर्म में ये आपकी वेलोसिटी आएगी सो नाओ यहाँ पे वी टू अगर हम लिखना चाहें वैक्टर फॉर्म में तो अपना वी टू जो है देट विल बी इक्वल टू यू आई कैप माइनस वी वन जे कैप डिवाइडेड बाई थ्री और वी टू का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ठीक है सो ये वी टू का मैग्नीट्यूड हो गया ठीक नेक्स्ट uh, जो हमें यहाँ करना है वो है एक बार आपने मोमेंटम कंजर्व किया है क्योंकि अपना कोलिजन यहाँ परफेक्टली इलास्टिक है सो so अपनी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू अपना फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी आ गई फाइनल uh, एनर्जी को हम लिखेंगे यहाँ पर uh, इसकी जो एनर्जी आएगी उसको आप लिख सकते हैं हाफ़ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ थ्री एम वी टू का स्क्वायर ना वी टू की स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से, uh, यह से इसको ये इक्वेशन वन है यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो एक काम करते हैं इसको स्क्वायर और इसका अंडर रूट हटा के इसको ऐसे नाइन लिख लेते हैं ठीक है सो ये डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पुट हो जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ़ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ थ्री एम मल्टीप्लाईड बाई वी टू स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे तो दिस विल बी यू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन इसको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू अपनी यू के टर्म में आ जाएगी सो so, सारी वी uh, की टर्म एक साथ ले आते हैं तो यू की टर्म सब इधर ले आते हैं सो दिस अच्छा हाफ एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सो यू स्क्वायर एक काम और करते हैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री यू स्क्वायर Uh, तो ये कैंसिल हो होकर थ्री बजता थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री यू स्क्वायर माइनस uh, यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू थ्री वी वन स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका वी वन स्क्वायर विच एम्प्लाईज़ टू यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर वी वन स्क्वायर विच एम्प्लाइज वी वन विल बी इक्वल टू यू बाय रूट टू यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन फोर वुड बी द राइट आंसर और एन टी ने भी यही आंसर दिया है